नगर पालिक निगम भिलाई चरोदा के महापौर निर्मल कोसरे एवं आयुक्त अजय त्रिपाठी की मौजूदगी में अवैध कब्जाधारियों व अतिक्रमणधारियों पर कब्जा हटाने की कार्यवाही की गई। जिला प्रशासन की मंशा के अनुरूप भिलाई चरोदा निगम द्वारा सर्विस रोड को सर्विस रोड का आवागमन सहज सुगम करने अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। भिलाई तीन सिरसा गेट से प्रारंभ कर डबरा पारा तक एक तरफ ये कार्रवाई हो चुकी है, वही मंगलवार को सिरसा गेट भिलाई तीन से बाई ओर खूबचंद बघेल महाविद्यालय से होते हुए काली मंदिर चरोदा, भारतीय स्टेट बैंक, केनरा बैंक चरोदा से हनुमान मंदिर और साथ ही सर्विस रोड पर व्याप्त अतिक्रमण को नियम अनुसार हटाया गया। इस कार्रवाई में बैनर, पोस्टर, बोर्ड, ठेला, गुमटी, बांस बल्ली सहित नाली पर की गई ढलाई और चबूतरे भी तोड़ने की कार्रवाई की गई। निगम आयुक्त अजय त्रिपाठी के आदेश के अनुसार तोड़फोड़ की कार्रवाई करने कार्यपालन अभियंता सुनील जैन सहित सहायक अभियंता डीके पांडे, सहायक स्वास्थ्य अधिकारी अश्विनी चंद्राकर, उप अभियंता सहित विद्युत विभाग के और साथ ही ट्रैफिक पुलिस और सफाई स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी उपस्थित रहे। महापौर निर्मल कोसरे अपने परिषद सदस्यों के साथ उपस्थित रहकर पूरी कार्रवाई में निगम दल का नेतृत्व करते दिखाई पड़े। उन्होंने क्षेत्र के लोगों से बातचीत करते हुए सभी को ये विश्वास दिलाया कि ये कार्रवाई जनता के लिए ही की जा रही है, जिससे सड़क पर कहीं भी जाम की स्थिति उत्पन्न ना हो और आवागमन प्रभावित ना हो। लगातार आम लोगों की शिकायत आ रही थी कि सर्विस लेन के जो दोनों किनारे जो व्यापारी लोग हैं या फुटकर व्यापारी लोग हैं वो इंक्रोचमेंट किए हुए हैं, जिसके वजह से आवागमन बाधित होता है। इसलिए नगर निगम भिलाई चरोदा के द्वारा, ट्रैफिक विभाग के द्वारा और भिलाई तीन पुलिस प्रशासन तीनों के द्वारा संयुक्त रूप से हम लोग अभियान चला रहे हैं। नगर निगम का उद्देश्य ये नहीं है कि किसी को नुकसान पहुंचाएं, अभी तो हमारा उद्देश्य है कि आम जनता को अधिक से अधिक सुविधा मिल सके आवागमन में, जिससे किसी की अकारण मृत्यु ना हो। अब देख रहे हैं कि हमारा नेशनल हाईवे के किनारे शहर होने के कारण दुर्ग जिले का जो एक्सीडेंट का रेशियो है वो पर डे 25 लोगों की है, ताकि एक्सीडेंट भी कम हो और लोगों को आवागमन में सुविधा हो। इस उद्देश्य से हम लोग तोड़फोड़ के अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रहे हैं। कल 14 तारीख से हमारा यह कार्रवाई शुरू हुआ है, जो निरंतर जारी रहेगा। सप्ताह के शनिवार रविवार को छोड़कर बाकी दिन कोई भी समय हमारे जो कर्मचारी है 11 बजे से 5 बजे तक के बीच में कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। बहरहाल निगम द्वारा ये कार्रवाई लगातार की जाने की बातें निगम महापौर ने कही है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट।